Our teaser is going to be played here. This film is all about Lord Krishna. Samudram dachukunna ati pedda prapancha rahasyam. ఈ ద్వారకా నగరం. आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में ये पूछा कि लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को हम बॉयकॉट कर रहे हैं, तो इसकी जगह पर कौन सी ऐसी फिल्म आ रही है जिसे हम देख सकते हैं। तो भैया, साउथ की एक बहुत ही दमदार फिल्म आ रही है जिसका नाम है कार्तिकेय 2। कार्तिकेय 2 का टीजर जो है वो 20 जुलाई को आया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी इस फिल्म के बारे में कि ये फिल्म कैसी बनी है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में अच्छे अच्छे रिव्यू दिए टीजर देखने के बाद कि फिल्म का जो टीजर ही है वो इतना दमदार है तो फिल्म कैसी हो। कुछ चैनल्स के वीडियो भी मैंने देखे तो मुझे लगा यार कि मुझे भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए, और फिर मैंने ये वीडियो बना दी। टीजर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कहानी जो है फिल्म की बुरी, ये भगवान श्री कृष्ण के आसपास पूरी तरह से पिरोई गई है। और टीजर देखकर आपको बहुत कुछ तो नहीं पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपको देखने और सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। अभी आपने ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर देखा होगा। देखने के बाद आपको वो मजा नहीं आया होगा, क्योंकि उसमें एक सीन ऐसा था जो रणवीर कपूर चप्पल पहनकर मंदिर में घंटियां बजाते हुए नजर आए, तो ये लोगों को बात ठीक नहीं लगी। तो इस तरह की जो फिल्म है इसका बॉयकॉट ही होता है। लेकिन साउथ की ये जो फिल्म आ रही है कार्तिकेय 2, इसका टीजर देखकर तो लोग भाई जबरदस्त तालियां बजा रहे हैं, इसकी तारीफ तक कर रहे हैं। जिन प्रोड्यूसर ने कश्मीर फाइल्स के लिए पैसा लगाया था उन्होंने ही कार्तिकेय 2 को भी लॉन्च करने का काम किया है। तो समझ लीजिए कि फिल्म में कुछ तो ऐसी बात होगी जिसलिए इन लोगों ने पैसा लगाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म का टीजर जो है वो इस्कॉन वृंदावन में लॉन्च किया गया, पूरी टीम वहां पर पहुंची थी और सभी ने कुछ न कुछ बातें की, वहां पर भोजन वगैरह किया, प्रसाद लिया। और इसके जो मेन हीरो हैं, लीड हीरो हैं निखिल सिद्धार्थ, उन्होंने ये कहा कि इस फिल्म में ना मैं खुद, ना अनुपम खेर जी और ना बाकी कलाकार मुख्य रोल में है। अगर इस फिल्म में मुख्य रोल में कोई है तो वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो कि पूरी दुनिया को चला रहे हैं, जिनसे हम बहुत कुछ उनके जिंदगी से सीख सकते हैं, उनके बोले हुए वचनों से सीख सकते हैं, उनमें सीखने लायक बहुत कुछ है। अक्सर आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में और ये जो हम गलत चीजें भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो हमें क्या पढ़ाया गया, वही जो भगवान श्री कृष्ण ने कभी ना कहा था और ना ही वैसा उनका चरित्र है। तो बॉलीवुड की फिल्मों में भी कई ऐसे गाने हैं जिसमें उन्हें गलत तरह से प्रेजेंट किया गया है। टीजर में आपको स्टोरी तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन इस फिल्म का इंतजार हम सभी को है और इस फिल्म को देखने मैं भी जरूर जाऊंगा।